दिस इज अ kth प्रॉब्लम दैट इज सम डिजिट्स. ओके, सो सम डिजिट इज गिवन अ नंबर एन, एन अरे ऑफ एन ए ऑफ एन डिजिट नॉट सेपरेटेड बाय स्पेस. सी दैट क्या क्या लिखा है, नॉट सेपरेटेड बाय स्पेस, प्रिंट द समेशन ऑफ डिजिट. जब तुम इनपुट लोगे ना इसका, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि सम निकालना है सारे डिजिट का, देख लो ना, सम निकालना बोला ना हर डिजिट का, हाँ बट यहाँ पे बोला है स्पेस नहीं है. तो जो इनपुट टेकिंग होता है ना, व्हेन यू टेक इनपुट, तो व्हाट इज द मेन थिंग दैट यू कैन सी, इफ आई टेक नंबर दिस वन एल एल एन 3n, ये n क्या आएगा, 5 आएगा. नाउ इफ आई थिंक एल एल एक्स 3x लेता हूं मैं, तो कैन यू टेल मी लाइक व्हाट शुड बी आउटपुट ऑफ एक्स, क्या आउटपुट होगा एक्स का, इज इट 1 और इज इट 13305, क्या होगा बताओ मेरे को, इज इट 1 या 13305, व्हाट विद द आउटपुट एक्स. सी दैट वी आर गेटिंग द एंटायर नंबर ऑफ एक्स. जब स्पेस नहीं दिया होता ना, व्हेन देयर इज नो स्पेस, दे विल कंसिडर एज अ यूनिट ऑफ नंबर, एक नंबर ही समझता है पूरे को. समझ आ रहा बात क्या बोल रहा मैं, ठीक है. और सी दैट एन इज 10^6 नंबर ऑफ डिजिट, 10^6 नंबर ऑफ डिजिट. थिंक अबाउट लाइक ये कितने डिजिट इसमें, 5 ना, कितने डिजिट है इसमें, 5 डिजिट है ना, और 10^6 डिजिट बोला है, और लॉन्ग लॉन्ग भी है ना, लॉन्ग लॉन्ग भी है ना, 10^2, लाइक आई गिव टू यू, आई गिव टू नंबर, देन यू विल गेट द आइडिया. आई टेक अ टेस्ट केस, आई टेक अ 10 डिजिट, 1 1 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आई थिंक. सी दैट व्हाट वुड द आउटपुट, टेल मी लाइक एक्स क्या आएगा, यहाँ पर बताऊँ एक्स क्या आएगा, ये नंबर आना चाहिए ना एक्स, ये नंबर आना चाहिए कि नहीं एक्स का, हाँ है ना. पर मैं इसको एलएल नहीं करता हूँ, मैं इसको इंट लिखता हूँ, एंड थिंक अबाउट लाइक व्हाट वुड द आउटपुट, क्या आता है. तो वो सी ये नंबर आ रहा है क्या, नहीं क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज इंटीरियर ऑफ इट एक्सीड द स्पेस ऑफ इंटीजर. इंटीजर का जो एक लिमिट होता है, इंटीजर मैक्स इंटीजर जो लिमिट है उससे ज्यादा बड़ा हो गया, हो गया ना बड़ा, 10^9 से बड़ा हो गया. और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कितना डिजिट है इसमें, 10^6 डिजिट है. क्या मैं लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कर पाऊंगा क्या, ये बताओ मेरे को. अगर लॉन्ग लॉन्ग में लूंगा तो क्या 10^6 डिजिट को मैं स्टोर कर पाऊंगा क्या, ये बताओ मेरे को. क्या 10^6 डिजिट को मैं स्टोर कर पाऊंगा क्या लॉन्ग लॉन्ग में. मैं इसको देखू, मैं करके दिखाता हूँ, 20 लेता हूँ, ठीक है, 12 है ना, 13 14 15 16 17 18 19 20. लेट्स ट्राई टू इट एंड लेट्स ट्राई टू गेट इट, वी आर गेटिंग अ नॉट. सी दैट वी आर गेटिंग वेरी डिफरेंट नंबर. सी दैट हाँ क्योंकि रेंज से बाहर हो गया. अगर मैं यही को 17 करती, 17 करता, ठीक है, एंड 1 2 3 हटा देता, ठीक है, एंड सी दैट वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट दिस नंबर, बिकॉज इट इज इन रेंज ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, ये इसके रेंज में है, ठीक है ना, रेंज में है ना, वी गेट इन. अगर रेंज का प्रॉब्लम नहीं होता, इफ आई नॉट गेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ रेंज, वी कैन इजली डू द व्हाइल लूप. व्हाइल लूप करता मैं, एक्स ग्रेटर देन 0, सम प्लस इक्वल टू एक्स मॉडुलस 10, एक्स बाई 10. ऐसे करने से भी काम होता कि नहीं, बताओ मेरे को, टेल मी. अगर मैं ऐसा करता तो मेरे को सम आता कि नहीं, करेक्ट हाँ सम निकालने के लिए. बट द प्रॉब्लम इज लाइक
आई कांट स्टोर द नंबर, मैं नंबर ही स्टोर नहीं कर पा रहा हूं। 10^6 कैसे करूंगा मैं स्टोर, कर पाऊंगा क्या, कर पाऊंगा क्या, ये बताओ मेरे को। तो व्हाट शुड आई डू यार, सी दैट वी आर गेटिंग सम नंबर सम, सो वी कैन डू दिस वन, बट द प्रॉब्लम इज दैट हियर इज द प्रॉब्लम, वी कांट स्टोर दिस बिग नंबर बिकॉज दे आर, इफ दे आर स्पेसेस, अगर स्पेसेस होता तो मैं अरे में स्टोर कर लेता, पर अरे में नहीं। बट एक कॉन्सेप्ट है विच कॉल स्ट्रिंग, क्या कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, एरेज ऑफ करेक्टर बोलते कि नहीं, एरेज ऑफ करेक्टर बोलते कि नहीं बात। तो अगर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग एस, तीन एस एंड सी आउट एस करूंगा मैं, इवन इट इज वेरी बिग नंबर, 20 कर देता हूँ मैं, 17, 18, 19, 20 एंड सी दैट वी आर गेटिंग एग्जैक्ट 120। इन लॉन्ग लॉन्ग वी आर गेटिंग ए वेरी डिफरेंट नंबर, सी दैट वी आर गेटिंग करेक्ट नंबर ना, नाउ यस और नॉट, इफ हाँ आई राइट एस सब 0 व्हाट वुड बी द प्रिंट, वन 1। नाउ हाउ डू आई चेंज इनटू एस्की वैल्यू इफ आई राइट, हाउ डू आई चेंज, इफ आई रियली वांट टू चेंज इन द एस्की वैल्यू, हाउ डू आई चेंज, लेट नम इक्वल टू इंट एस ऑफ 0 यस एंड नॉट, दे विल प्रिंट देयर एस्की वैल्यू, कैन आई से दैट, हाँ इफ आई डू -48 कैन आई से नम -48 बिकम 1, कैसे नॉट, इट बिकम 1। सो वी चेंज करेक्टर इनटू नंबर, वी चेंज करेक्टर इनटू नंबर दिस फ्रॉम दिस, कैसे नॉट, नाउ दिस इज अ लाइक नंबर्स नॉट करेक्टर्स राइट नाउ, वी चेंज नंबर्स इनटू करेक्टर इनटू नंबर्स, नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ डू आई चेंज, हाँ ओके सो लेट्स ट्राई टू कोड इट, ओके आई लेजेंड साइज आई प्लस प्लस एंड हियर सम प्लस इक्वल टू एस एफ आई -48, ओके सो इफ आई जस्ट राइट इट हियर इंट, ओके सी आउट सम एंड डन, सो दे चेंज इनटू एस्की वैल्यू, -48 बिकम द नंबर, द कैरेक्टर बिकम नंबर, एस्की वैल्यू -48 दे बिकम द सेम नंबर व्हाट वी गेटिंग, ये समझ आया बात, ये बात समझ आया क्या, क्योंकि ऐसे, और ये करने से अभी मेरा जो कोड हो गया है वो मेरा स्टोर भी कर पा रहा हूँ नंबर, ठीक एंड 256 MB है, ठीक है I'll give to them 256 MB है K number का ना some digit, तो if you see that max कितना है मेरा 10^6 digit था ना, 10^6 digit था, और हर करेक्टर कितना बाइट लेता है, 1 byte, can I see that, है ना, तो 10^6 byte होगा, यू कैन चेंज इन टू मेगा बाइट, कैसे करेंगे मेगा बाइट, डिवाइड बाई 1024 byte से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा मेगा बाइट, और 104 से करोगे तो कितना बाइट बनेगा ये तो बताओ, नहीं इफ आई डिवाइड इन टू, नहीं ये बनेगा किलो बाइट, सॉरी इफ यू डिवाइड बाई 1024 इट बिकम किलो बाइट, फिर उसको भी 1024 से करोगे तब बनेगा मेगा बाइट, तो इट ऑलमोस्ट लेस देन लाइक 100 MB आई रेंज, और हमारे पास 256 MB है, देखो एक्सेप्टेड हो गया कौन ना, समझ आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ, एक करेक्टर जो एक एक करेक्टर होगा ये 1 byte लेगा, ठीक है, और 10^6 करेक्टर है टोटल, तो 10^6 byte लेगा, उसको आप डिवाइड करोगे किलो बाइट में, डिवाइड करोगे मेगा बाइट में, और मेरे पास लिमिटेड 256 MB, इफ यू सी दैट क्वेश्चन, 256 MB, तो ये इससे कम ही होगा, ठीक है, इसलिए कोड चिल्ला रहा है।